पूछ रहे थे कहाँ जब गए ना अपना गिफ्ट देने, हाँ हाँ, तो कितना आपकी फैमिली खुश थी, आपकी अम्मी, आपके भाई? नहीं यार, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भैया, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो हमारा न्यू व्लॉग शुरू हो चुका है मेरा विलेज चैनल पर। अम्मी जान थोड़ी मसरूफ थी तो मैंने कहा मैं शुरू कर देता हूँ। और सुबह का टाइम है, एक तो मैं व्लॉग बनाता हूँ सोबिया फरमान फैमिली पे, वो सहरी टाइम वाला। सहरी टाइम भी आप जरूर जाकर देखा करें हमारे रूटीन सोबिया फरमान फैमिली पर जाकर। तो दूसरा जो है अभी हम दिन को स्टार्ट करते हैं कि दिन को जो जो काम होते हैं, जो जो रूटीन होती है, अच्छी अच्छी बातें होती हैं, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। और मैंने कहा के पानी लगा दूं पौधों को, तो इसलिए देखें सबसे पहले मैंने पानी लगाना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि इसमें पानी ख़त्म हो जाए तो वो सीवी वगैरह लग जाती है, फिर कोई फ़ायदा नहीं है ये बीजने का। इनको रोज़ाना पानी लगाना पड़ता है। अभी पानी लगा रहा हूँ तो एक पौधे में लग चुका है, दूसरे में हम आ चुके हैं। और ये देख लें अब इसके नन्हे मुन्ने से पत्ते जो कि हो रहे हैं अब माशाल्लाह। इसको पानी ना दूं, नीचे रेत है, सीवी लग जाती है। और वो देखें सबसे पहले जो है ये वाला खड्डा आ गया, मतलब अभी तक वही काम चल रहा है, वही सिस्टम चल रहा है कि ये खड्डे जो हैं ये फुल नहीं होते। इसको जो है मैंने दबा दिया, अब पानी जमा होगा। अगर ये फिर भी कहीं इधर उधर गया ना तो फिर इसकी खैर नहीं, फिर इसको बंद कर दूंगा। ऐसे ही इंशाल्लाह इन पर मेहनत हो रही है काफ़ी सारी, रोज़ाना पानी वगैरह लगाया करते हैं। दुआ करें अल्लाह पाक जो है फुल कामयाबी दे कि ये जो है हो जाए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी इनमें ना अभी पानी नहीं सूखता क्योंकि ये पक्की मिट्टी है, वो है कुछ रेत, जल्दी सूख जाता है। इनमें अभी दूंगा, सब में दूंगा। लेकिन ये ना लेना वो था गुलाब वाली, जो गुलाबी फूल होते हैं, लेकिन ये लाल वाली हमें मिल गई। अब तो गुजारा करना पड़ेगा लाल वाली पे। ये देखें ये दीवार के ऊपर जब फैलेगी ऐसे लाल लाल इसके पत्ते होंगे, ये सारे जैसे हैं। फिर इंशाल्लाह दूसरी गुलाबी भी ले आएंगे और साथ में सफ़ेद भी ले आएंगे, तीनों मिक्स करके लगा देंगे। कोई लड़ी सफ़ेद उठा के खड़ी हो, कोई कैसे कोई कैसे, इनको ब्लेड स्लेट के हर कोई फिर समझता है ये एक ही है क्या, एक ही ने इतने अलग अलग फूल उठाए हुए हैं, अब यही समझते हैं। और ये अमरूद भी खड़ा हुआ है, अमरूद की भी लोकेशन चेक कर लें। ये नीचे वाली लड़ी है, ऊपर तो अभी ऐसे खाली खड़ा है। ये देखें वह ऊपर से पत्ते कुछ कुछ हो रहे हैं, ये देखना इंशाल्लाह अल्लाह पाक इसको कामयाब करेगा। और ये बूटी जो है ना, ये फूल तो उस दिन तोड़ लिया था, लेकिन बकरियों ने ना इसका जीना आराम कर रखा है। रोज़ाना बकरियों का वार होता है इस बूटी पर, इसको बकरियाँ खाती हैं, लेकिन ये फिर भी हिम्मत नहीं आ रही। ये देखें न्यू न्यू जगह से उग रही है, ये कहती है मैंने होना है, चाहे बकरी हो लाख कोशिश कर लो, लाख कोशिश के बाद भी ये होगी इंशाल्लाह। तो अभी वो खड्डा फॉल हो गया, मैं इधर दूसरे में लगा दूँ, वो भी उसमें भी लगाऊंगा। और इसके जो हैं आप पते चेक कर लें, ये हमारा पिछले साल वाला किन्नू मालता है। अम्मी मुबारक हो, ये वाला हमारा कैसे न्यू और ताज़ा ताज़ा होया खड़ा है। अल्लाह ने इसको कैसे कामयाब किया, कामयाबी यह होती है। सारे पौधे तो एक ही बच्चा है। हाँ जी, ये एक ही बच्चा माशाल्लाह। खड़ा तो आया था, अभी फूटा नहीं है। हाँ वो भी फट जाएगा, अभी मौसम आएगी ना। तो ये इसकी जो ऊपर ये टहनियाँ हैं ये काट लें, ये सूखी सूखी। हाँ, कैंची के साथ। हाँ जी काट लें, फिर सारा सूख जाते हैं। हाँ इनको काट लेते हैं, फिर इंशाल्लाह ये कामयाब होगा। साथ में ये भी उम्मीद है हो जाएगा, वो न्यू न्यू जगह से वो पता चल रहा है कि निकालने वाला है वो टहनियाँ। हाँ जी, मैं तो इसको गौर से देखता रहता हूँ कि ये न्यू न्यू जगह पे, वो कहते हैं ना नथूर हैं, वो नथूर हैं निकाल रहा है।
तो इंशाल्लाह ये भी कामयाब हो जाए, मेहनत हमारी जो है बेकार ना जाए। और समीया को अभी अभी फ्रेश कराया गया है और कंघा और तेल करा रही है अम्मी जान। बाल देखें, बाल फिर से कटवा दो के रखवाने हैं? नहीं काटेंगे, टाइम नहीं लग रहा कि टाइम लगेगा तो फिर। अच्छा घेर गई, हंसती है आगे से। अभी हाँ साइड वाले साइड पे का देती हो और सेंटर में पानी लगा देती हो, बहुत अच्छा करती हो। चलो और इस्तिहाना ठीक है? ठीक है, अभी सो रही है। सहरी टाइम उठी थी ना? हाँ हाँ अभी तक सो रही है। इससे तो मैं जगाया। हाँ ये भी जिद कर रखती है। ये फुल हो गया है खड्डा। अच्छा अब ये वाला फुल होगा तो उसको पानी पिला रही है कि भूल जाती है? नहीं पिलाती हूँ एक बार। अच्छा एक बार पिलाती हूँ। हाँ हाँ सही है, पिलाती रहे, अल्लाह पाक शिफा दे देगा। लगा दूं? हाँ लगाओ। खूबसूरत बाल बन जाएंगे ये देखे। ऊपर देखो हाँ, अब ठीक है। अभी देखे ना बाल बहुत पुराने हैं, देखते भी नहीं है। फूले हो तो वो फिर सही नरम नहीं है ना, ज्यादा सख्त हैं। अगर रखवाए ना तो बहुत बड़े बाल होंगे। हाँ जी चलो जैसे नसीब, उसका नसीब नहीं है रखवाना। सीधे मूड में होती नहीं है, कभी कैसा है ना मूड, कभी कैसा। हाँ हाँ फिर ना कंघी लगाने देती है, फिर ऐसे ना बाल खराब हो जाते हैं। हाँ जी चलो आप तैयारी कर ली है, निकली। अब चेक कर लो, अब दुआ कर दो सबके लिए। दुआ करना है? चलो एक बार दुआ कर दो फिर आपको अम्मी नाश्ता देगी। दुआ कर दो फिर खाना खाएंगे। आमीन आमीन। पोनी पोनी को देखती है। आमीन। अच्छा आपने काम शाम कर लिया जानवरों का? हाँ घास वगैरह तो डाल दिया, अभी पानी भी पिलाना है और बच्चों को भेजा है उधर बकरे का घास काटना। अच्छा सीन वाला। हाँ हाँ वापस आएंगे तो फिर गंदम काटने जा रहे हैं, दिन भी जाड़े जाड़े हो गर्म होते जा रहे हैं, अब गर्मी आ गई जाए ना धूप पर बैठे इतना पसीना आ जाते ना खुद। हाँ चक्कर आने लगते हैं। ठीक है फिर वो खड्डा भी भर गया, बातों बातों में खड्डे फुल। ये देखें अब जो है हमने इधर लगाना है, पहले इधर डाल दूँ, फिर इधर से ना साइड पे मिट्टी डाल देते हैं, ये फिर इधर आता है पानी। हाँ क्योंकि इधर जो है मिट्टी डालेंगे ना पानी पीछे की तरफ नहीं आएगा, वरना पीछे की तरफ भाग दौड़ कर लेते हैं। खडूली बन रही है नीचे पैंप करें। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, बनती रहे के पीछे कर लूं। चलो लो आपकी बात मान ली। तो अभी जी इसके बाद इसमें लगाऊंगा फिर आखिरी सारा पानी ओके कर लूंगा इंशाल्लाह। अब फिर से ये बनाने आ गई हैं, कल तो बनाती रही हैं। अच्छा खत्म कर देते हैं? हाँ जी इसलिए फिर बना रही हूँ। ये फौरन सही लिया करें ना, ये फट जाए वरना सारा खत्म हो जाता है। उत्ते पान पुनी चाहिए नहीं, मैं खींच के तले हूँ। दो लड़की होते हैं, दो ऊपर जाके उठा लें। हाँ जी फॉलो बैक देते हैं, मेरे पीके मैच इस तरीके से आना है। ठीक है अच्छा साकिब खान अब्बू के पास पहुँच गया। बाबा के पास आ गया, बाबा के पास। थैंक यू वे साकिब खान, वे साकिब खान क्या देख रहे हो? हाय जग्गा बना हुआ है जग्गा, आज तो शाके बने हुए हो, शाके बने हुए हो है लोटी बटन बटन खोल भी जग्गा बना हुआ है। हाँ बटन खटता नहीं है, खुला है बटन क्या?
बटन नहीं खड़ता, खोल जाता है साकिब का। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गर्मी आया अब, सर्दी आ गई। हाँ जी, और सुनाए कोई नवी ताजी। नवी ताजी साहब ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। अच्छा आपको पता है काल उधर रहे। हाँ हाँ, रात को मेरी तबीयत खराब हो गई थी। हाँ जी, में दर्द इतना शदीद दर्द था ना, रात को 12 बजे तक। हाँ हाँ, चलो और आज जाना होगा फिर आपने उधर जो बता रहे थे। हाँ जी, नहीं नहीं, वो जो बयान है क्या है, वो खत्म पे आज है ना, खत्म कुरान पे आज जाना है। हाँ जी, हाँ के बाद इसे नमाज पढ़ के चला जाऊंगा। जी वो माले ले आए थे, कुरान पाक भी लिए हैं। हाँ वो उनको दे दिए थे, मैंने कहा जी जी हमारा बाद में ले आया। हाँ हाँ सही है, बाकी उधर खत्म का प्रोग्राम है। हाँ जी, और अपना भी है, वो कब करना है। मैं रात को यही सोच रहा था कि उधर प्रोग्राम लेते हैं ना। हाँ एक देख हम उधर ही बना रहे हैं, जो अपने घर के लिए होते हैं वो अपने घर में कर लें। चलो कल अपने घर में कर लेंगे। हाँ जी, मैंने कहा उधर वो एक देख बना रहे हैं, बंदे शायद ज्यादा हो जाएं। वो जितनों को बुलाया होगा उन्होंने इंतजाम किया होगा, लेकिन जी जी अपने घर में करने का ये है कि और भी लोगों को पता चलेगा कि इधर अफ्तारियां होती हैं, अफ्तारी करा देते हैं हम भी। ओ ओ गंजुआ वार करता है, छुप के वार करता है, छुप के वार करता है। चलो उठा लो, चलो कल कर लेंगे घर में। हाँ जी, कल का प्रोग्राम बना लें। हाँ जी जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी जी। ओ इस्तिहान, आप भी अभी उठ के आई है, ये देखे तो नहीं उठी, मुझे कहती है मैं रोजा रख के सो रही हूँ। अच्छा अब उठा ही, रोजा है बिना कुछ नहीं, ठीक है। हाँ रोजे में कुछ नहीं खाया जाता, हाँ जकिया भी कुछ नहीं खाएगी, और वो अम्मी सोबिया अब्बू मैं सारे नहीं खाएंगे, कुछ भी नहीं खाएंगे। हाँ बुरी बात है, चलो कोई बात नहीं। वो देखे, हाँ बोले बोले क्या कह रही थी। हाँ हाँ, तो कितना आपकी फैमिली खुश थी, आपकी अम्मी आपके भाई। बहुत खुश थी, बहुत खुश थी, मैंने तो जिंदगी में पहली बार अम्मी को इतना खुश थी। खुश है आखिर लाखों की मनी जो आ गई घर, खुशी तो होगी, खुशी तो होगी ना। बात की थी कि रोजगार बन जाएगा। हाँ जी, ऐसे फारिग बैठे रहते थे, काम नहीं होता था, तो वही बिजी करते थे, उधर से कुछ नहीं आता था। हाँ जी, ये डेली का 1000-2000 कमाएंगे, घर का सर्कल चलता रहेगा, सब्जी दाल आती रहेगी। हाँ जी, ये खुशी थी उनको, बहुत खुश थे, बहुत खुश। माशाल्लाह माशाल्लाह, उन्हें को यही बोल के कहना था जो जेल पहली तरीके काम करे ना वो खराब कर दे सब कुछ, एक एक चीज समझा के आया हूँ मैं। हाँ। सही बात है, पहले पहले खरीद कर दूंगा। मैंने कहा अगर ऐसे नहीं करेंगे तो रक्षा छीन लूंगा मैं। नहीं ये भी हमने कहा है कि एक दो दिन आप पहले खुद अकेले ट्राई करना, वजन नहीं उठाना, मतलब लोड नहीं करना, फिर क्रॉसिंग वगैरह पे सीखोगे, फिर जाकर आपने लोड करना है। पहले पहले दिन काम शुरू करेगा, ले जाओ की भी हिफाजत होगी। हाँ जी, तो आप रोज भी अच्छी लगेगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस सब देखने वाले भी खुश थे, मुबारकबाद दे रहे थे। जी जी सही बात है, अल्लाह पाक ना रुक सुखा रखे, ताकि कोई दो बंदे आने को वही करेगा, एक मजदूरी करेगा, राशन वगैरह तो हो जाएगा। हाँ जी इंशाल्लाह, अम्मी को देख कर, अम्मी की खुशी देख कर ना बहुत खुश हुई हूँ।
वो आपको मैसेज किए थे, आपको मैसेज किए थे, मुझे कोई रिप्लाई नहीं दिया, हालांकि मैंने वीडियो की लिंक भेजी। मुझे मैसेज किया था, हाँ हाँ, कुछ एक मैसेज नहीं लिख दिया। अच्छा अच्छा, और उनकी ख्वाहिश है कि मैं एक दीवार वाला जो होता है ना, जंगला वगैरह, वो भी लगवा दें। हाँ हाँ, मैं सीटें भी लगवाएं। अच्छा, अगर सवारियों के लिए भी अगर जाना पड़े तो वो सीटें लगा सकते हैं, अगर हाँ हाँ, इंशाल्लाह वो भी करेंगे इंशाल्लाह। जो लोडर जो है सवारी का मसला, अब सीजन है उनका, गंदम की जो है फसल तैयार है, तोड़ी उठाएंगे, गंदम उठाएंगे, और भी मसाला काफी काम है, बहुत काम होगा। उस चक में ना बस्ती पूरी है, तकरीबन 500-700 जो घर है, उधर कोई रक्षा नहीं किसी का, सब बस्ती वाले कहते हैं कि आप ये रक्षा आ गया, जो भी काम होगा हम। कल वहाँ के नंबरदार कह रहे थे कि कोई बात नहीं यूसुफ खान, आपने टेंशन नहीं लेनी, बस ये अब हमारा रक्षा है, समझे कि हम ही काम लगवाया करेंगे, जहाँ काम होगा हमारे जानने वाले होंगे हम भेज देंगे, हमारा बच्चा है, आपका बच्चा है तो हमारा बच्चा है, साजिद का बोल रहे थे। उनकी मेहरबानी है, तो वो भी ताउन करते हैं हर किस्म का। हाँ जी, हमारी इज्जत करते हैं, जितनी इज्जत से मिले। बहावलपुर थे वो सुल्तान भी कह दिया, अगर आप चले गए तो हमारी लड़ाई होगी। शाम तक हमें रोका, टाइम भी हो गया, मुझे मेल के जाना मेरे घर हो गए, घर पे नहीं था, हाँ मेल कर आए, उन्हें खुशी हो गई, हाँ जी, उसके बाद फिर आ गए, चलो वो साथ देंगे, सारे बस्ती वाले साथ देंगे। अच्छा, इंशाल्लाह काम उनका अच्छा चलेगा, रोजगार बनेगा, हाँ, और खाएं पिएंगे। ख्वाहिश है कि घर का अगर सब्जी गोश्त ये वो अच्छा खाएं पिए ना, हाँ, ये भी बहुत है उनके लिए, उनके लिए बहुत है। अब डेली का चाहे वो 3,000 कमाए, 1,000 का राशन ले आए, 1,000 अगले दिन पेट्रोल के लिए फौरन वक्ती तौर के लिए रख लें, 1,000 बच्चा तो होती रहेगी, वो आटा ले लेते हैं 2-3 दिन बाद, लेना पड़ता है, सौदे सलाह बुखार आ जाता है, कोई बच्चा बीमार हो जाता है, कुछ हो जाता है ना, सर्कल चलता रहेगा, अगर सही तरीके से कमाए तो। हाँ जी, उन्हें दाने का हिस्सा भी आ जाएगा। हाँ जी, वो तो पहले खाए हुए हैं, ये तो खा लेते हैं, लेकिन कुछ न कुछ कहाँ से खाए, हमारे लेते रहते हैं, खाते रहते हैं, जब हिसाब होता है तो कहते हैं ये बराबर हो गया, वो बराबर कर लिया। अच्छा, हमारे भी अगर ये सीजन लगा रहे ना गंदम का रक्षे पे, तो इनके खाने के दाने भी निकल आएंगे। हाँ जी, सही तरीके से किराया ले, मैंने सब कुछ समझा के आया हूँ उन्हें, किसी से उधार नहीं करना, किसी पे एतबार नहीं करना, ये गाड़ी दे दो हम उधर से, वो कहते हैं फिर ले जाए, ऐसे एतबार नहीं करना, आप चलानी है, कोई उसमें से चीजें बदली कर लेते हैं, या कोई अपना सामान ढो के फिर आज के दे देते हैं, कोई खराब हो जाता है, कोई बनवा के नहीं देता, सब कुछ मैं साजिद को समझा के आया हूँ, अम्मी भी थी, सादिक नहीं था, वो सादिक तो काम पे था, उधर पानी लगाया हुआ था, तो सब समझा के आया हूँ, मैंने कहा फिर भी अगर कोई बात आपको समझ ना आए तो मुझे फोन करा के मुझसे पूछ लेंगे, पेट्रोल डलवाए, उधार से काम करे, पेट्रोल डलवाने के लिए कुछ ना हो, गाड़ी खड़ी करके खड़ा दे, ऐसा नहीं है, काम ना मेरी बहन खुश हो रही थी, कहती थी जब रेत में चल रहा था मैं बहुत खुश हुई कि इतनी पावर है कि रेत में भी जा रहा है, बहुत अच्छा लिया ना रक्षा साहब से, जो अच्छा ये था पावर वाला होता है, रेत में जाता है, कल कैसे घर तक चला गया। मैंने फिर भी कहा कि रेत में डेली ना ले जाया करें, जोर ना लगवाया करें, क्लच प्लेटों का मसला है, क्लच प्लेटों का मसला बन जाता है इंजन का कोई भी, इधर ही खड़ा कर दिया करे, वो जो मौलवी साहब है ना उनके बच्चों को पढ़ाते हैं, वो बहुत अच्छे आदमी है, उनके छोटे बच्चे भी नहीं है जो आते करे, उनके घर में खड़ा कर दिया, मैंने कहा इसको हिफाजत से खड़ा कर दिया करो, लाख वगैरह, क्योंकि जब कारें वगैरह जाते हैं ना मामू वालों की उधर, तो वो भी उधर ही खड़ी करते हैं, थोड़े दिनों की बात है, अगर रास्ता हमने पूछा वो नंबरदार से, वो कहे थे कि एमपी से बात हो गई है, वो रोड मंजूर हो गया है, 2 किलोमीटर रोड बनेगा, सीधा निकल जाएगा उनके घर तक, रोड जाएगा बिल, उनके लिए आसानी हो जाएगी, फिर हर चीज कर सकेंगे। मैंने कहा हमारी अपनी गर्दन भी खत्म हो गई, जो बोरा भाई साहब ने भेजा था वो भी कल ले गए थे, मैंने जो बताया था वो फिर ले आना उनसे, 4 दिन ही नहीं होता आटा,
चार घंटे एक बोरा खत्म हो जाता है। हाँ जी माशाल्लाह बच्चे भी हैं बड़े भी हैं खाने पीने वाले हैं और मेहमान वगैरह आपको पता है कितने आते रहते हैं। हाँ जी इस बार तो गंदम भी बहुत ज्यादा रखनी पड़ेगी। हाँ जी पिछले साल 70 मन रखी थी वो भी खत्म हो गई। इतनी जल्दी खत्म हो गई अभी महीना डेढ़ महीना रहता है फिर खत्म हो गई। हाँ अभी ज्यादा रखनी पड़ेगी अल्लाह हमारे कहे जितनी हो सके ही ले लेंगे बाकी बाद में आटा वगैरह लेते रहेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह पाक रोजी देने वाला है वो भूखा नहीं सुलाता ना बिठाता है। जी जी अल्लाह पे भरोसा रखें इंशाल्लाह टेंशन परेशानी नहीं लेनी है किसी चीज की। जी जी टेंशन तो नहीं लेनी वो करना तो होता ना वक्ती तो तीसरा दिन है बच्चे इतना जिद लगा रहे हैं इतना लगा रहे हैं सुबह भी लड़ाई होती है शाम को लड़ाई होती है शॉपिंग करके ईद के कपड़े ले मैंने कहा इतना बड़ी मैंने देखा है कितना काफी पैसे लगेंगे साफ के लिए तो इन्हें सिलाया वगैरह और कपड़े ले पिछले साल तकरीबन 60,000 के आए थे 60-70,000 के कपड़े लिए फिर सिलाया भरे इतने कपड़े आते हैं वो उतनी सिलाई लग जाती है आजकल इतनी महंगाई है। पिछले साल तो सब के लिए थे जितनी बहने आपके लेने पड़ते हैं यार अभी ईद आती है बहनों को भी लेने पड़ते हैं। हाँ ब्यास ना हो बहने हमारे आश्रय पे ही होती हैं जी उनके लिए भी लेने पड़ते हैं आप जो रिश्ते नए हुए हैं दुल्हनों के लिए भी लेने पड़ेंगे। हाँ जी और बाकी घर वाले हैं अम्मी हैं भाई बहन हैं सबको लेकर देते हैं ना हर साल अपनी फैमिली के लेने लड़के जो है ना लड़के वो ये जिद लगा के बैठे हैं हम 400 ले मैंने कहा एक एक तो ले लो ईद का कहते हैं नहीं रात मुनीब कह रहा था गिन रहा था एक सूट लेना है ब्लैक वाला अच्छा वो भी 6 मीटर का अच्छा 6 मीटर क्या करोगे कहता मैं वो बलोचू वाला सूट सिलवाऊंगा बल्ले वाली सलवार लंबी लंबी कमीज अच्छा वो बनवाऊंगा 6 मीटर वाला बाकी एक ब्लैक सफेद ले आना एक पीला ले आना गिनने लगा तो मेरी अम्मी कहती है कि इतने सूट 20 सूट लेने हैं क्या आपको जहेज देना है बहुत सारा था मैंने इतना तो सारे रंग गण रहे कोई तो लड़की नहीं आते कुछ जहेज देना कैसे वो कहते थे अभी लेकर दें फिर जल्दी फर्क नहीं होते सी नहीं देते। जी जी मैंने कहा कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा जमा करके ले लेंगे लेना तो है ईद के लिए। हाँ जी लेना तो है बाकी इतने जल्दी नहीं हो सकता क्योंकि तकरीबन कम से कम 80,000 रूपए लगेंगे जूते वगैरह अलावा है बाकी घर के अखराजात। जी मैंने कहा एक एक सूट तो हमारा ले लेते हैं कोशिश करते हैं और किसी के नहीं देते फिर ये भी यही बात है कोई नवे पहनेगा कोई नहीं पहनेगा हमारी सिस्टर हमारी भाभी और सब नाराज हो जाएंगे ऐसा नहीं चलेगा सारे ने टोटल लेके लड़कों के ले लेते हैं बाकी किसी के नहीं देते चलो गुजारा हो जाएगा लेकिन लेने तो पड़ेंगे ना आपकी बहनें कहेंगी हमें ईद पे नहीं दिया फिर आप अपनी बहनों को देते हो तो उनके वो कहते हैं हमें दिया हमारे बच्चों को नहीं दिया देखा था पिछले साल आपकी मम्मी कह रही थी वो मौसम देने गया ना उनको भिजवा दिया था कि वो दे दें उनको जाके। हाँ जी वो मैंने व्लॉग बनाया वीडियो बनाई तो वीडियो में कहने लग गई कि बहन याद थी उसके बच्चे याद नहीं थे अब किस किस के बच्चों 5-5, 7-7 बच्चे हैं सर के कहाँ हम दें हमारे जिम्मे वो कहते हैं भाई यूसुफ खान है हमारे भाई वो सब इस बार वो अगर वीडियो देखते भी होंगे ना मैं जवाब दे रहा हूँ मेरे हालात ऐसे नहीं है कि मैं सब बच्चों बड़ों सब के ले सकूं भाई अपनी कोशिश करें अपने खुद ही चलो मुझसे जो खर्चा होगा मैं ईद के खर्चे भिजवा दूंगा बस चलो सही है गर्मी होगी ठीक है आप जाएं आपको रोक के रखा है आप काटने जा रहे हो आज इधर खत्म हो गई चलो जाओ इतनी धूप है फिर रोजे के साथ जल्दी जल्दी सुबह सुबह काट के। हाँ जी।